पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माननीय अमित शाह जी ने 20 मार्च को हमसे वादा किया कि चुनाव के 6 महीना पहले हम 27% आरक्षण का बंटवारा कर देंगे। 11 अप्रैल को भी उन्होंने इस बात को लखनऊ में आकर के उस बात को दोहराया। हम बार बार कहते रहे लेकिन गरीब सवर्ण के आरक्षण को कैबिनेट में लाना, 48 घंटे में पास कर देना, राज्यसभा से पास कर देना, राष्ट्रपति की मुहर लगा देना और देश के जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ प्रदेश के कैबिनेट में लाके पास कर देना, तो पिछड़ों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है तो वो कब लागू करेंगे? 4 महीने से रद्दी की टोकरी में रखे हो आप, क्यों इसको लागू क्यों नहीं करते हो? खाली लोरी सुनाओगे? अंदर कहते कहते थक गया तो हम कहे भैया जाओ अब आप लोग करो, कुंभ नहवाओ, जितने मंत्री नहाने वाले हैं जहाँ नहाए, वहां भी तो देख रहे हैं कि टीवी पर आ रहा है कि वहां आज तय होगा कि गरीब समण को कितना आरक्षण दिया जाए कि न दिया जाए, अभी वहां भी तय होगा, लेकिन एक बार भी कैबिनेट में ये बात नहीं उठ रही है, एक भी बात उनके दिमाग में नहीं आ रही है कि आखिर में पिछड़ों के आरक्षण के बंटवारे में जो रिपोर्ट आई हुई है उसको कब लागू करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रयाग में हो रहा है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि ये पहले भी विरोध करते रहे? नहीं, हम मन करता है तो जाते हैं, जब देखते हैं कि बिल गड़बड़ आ रहा है तो हम नहीं जाते हैं। इसी में राम मंदिर पर भी वो राम मंदिर पर आ रहा है, अपना मंदिर बनवाएंगे। हमको तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, गरीबों को राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम अपने रास्ता, खड़ंजा पुल, पुलिया, नाली की लड़ाई लड़ते हैं। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब फिर हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे। इस बैठक से क्या नाराजगी? बैठक में आप तो नाराजगी, हमारा बिल क्यों नहीं कैबिनेट में ले आते हैं? देश का बिल ले आ रहे हैं तो इस बिल को ले आने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ले आते हैं? खाली बहका रहे हैं? ये पिछड़ों के साथ धोखा करेंगे, पिछड़े गुलाम बना के रखेंगे, इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये राजभर का, अर्कवंशी का, बोट का, बारी का, बिहार का, रजवार का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का बेटा कब सिपाही बनेगा? कब इसकी भर्ती होगी? 28 साल तो हो गया, होने दीजिए, कोई दिक्कत, संबंध तो हमारा खराब आज 22 महीने से चल रहा है, उससे क्या है? इसी पर है दिया तब से। जनता भेजिए लड़ने के लिए कि भागने के लिए? लड़ने के लिए भेजा है मैं तो, लड़ रहे हैं, जनता सुन रही है कि नहीं हमारा नेता भगेड़ू नहीं है, लड़ाकू है, लड़ रहा है, ये तो जनता स्वीकार कर रही है। रामदेव कह रहे हैं कि संतों को भारत रत्न नहीं मिलता, तो पहले तो रामदेव को ले लेना चाहिए, उनका तो संबंध बढ़िया प्रधानमंत्री जी से है, जुगाड़ बना के पहले वो ले लें, उसके बाद तो दूसरे को दिलवाएं। जुगाड़ से मिलता है क्या भारत को? अब भाई अब देखिए क्या है, तमाम ऐसे जो संघ के लोग हैं उनको भी अभी पुरस्कार मिला है, तो ऐसा तो देखने को मिल ही रहा है कि जुगाड़ जिसका संत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए क्या? अरे संत के मिलना चाहिए, पूरे देश को क्यों नहीं दे देते? जितना भी ये देश में आबादी है सबको अवार्ड क्यों नहीं दे देते? कोई किसी को नहीं कहेगा, आप लोग कभी नहीं मांग करते कि हमको? हाँ, हम क्या करेंगे लेके, उसे क्या लेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं जो दे ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 27% आरक्षण में बंटवारा कर दूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अगर बदल सकते हो तो 27% आरक्षण पे जो रोक लगी उसको बढ़ा के 54% करो। अगर आप क्रीमी लेयर ले आए हो, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब सवर्णों में क्रीमी लेयर ले आए कि इतने 8 लाख के नीचे वाले गरीब हैं, तो लोकसभा विधानसभा में भी क्रीमी लेयर क्यों नहीं ले आते? ये जितने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं अब इसमें भी क्रीमी लेयर ले हमें, कि जो क्रीमी लेयर के नीचे हैं वही लोग अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े, ऊपर वाले न लड़ा, ये बिल लाना चाहिए हमारे हिसाब से। इसमें नहीं भारत रत्न में नहीं आरक्षण चाहिए? भारत रत्न में तो हम चाहते हैं कि जो 125 करोड़ आबादी है भारत की सबको दे दिया जाए। भाई चोर भी काम करता तो अपना बुद्धि से ना काम करता है, साव भी काम करता तो बुद्धि से काम करता है, तो सबके सभी सबको अवार्ड मिलना चाहिए।
साधुओं कह रहे हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना करते हैं, ये कैसे? कि हमारा कहने का तात्पर्य है, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो भगवान नहीं लेते हैं, ये मेरा मानना है। भगवान उसको नहीं लेते हैं, वहाँ जो पुजारी होते हैं वो लेते हैं। तो वहाँ इस देश में सभी जातियों की जितनी हिस्सेदारी है वहाँ उनके पुजारी बना दिया जाए, अब वहाँ कुछ करना है नहीं। अरे आपके हाड़ा सारा बनारस में बनले बनावल जटा मिल रही है, बड़ा बड़ा गुड़िया मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, किसी को भी पहना दीजिए, अचिमटा थमा दीजिए, और वहाँ बैठ करके मंदिर में करना तो कुछ है नहीं, बस दुई लाइन का दुआ पढ़ना है कि राम राम जपना पराया माल अपना। रामदेव जी वही पराया माल अपना वाला है क्या कर रहे हैं? रामदेव जी के पास क्या था? रामदेव जी के पास क्या था? अरे योग सिखाने आए, योग सिखाते सिखाते पूरा कंपनी चला दी है, आज पूरे देश में उनसे ज्यादा माल किसके पास है? सनातन धर्म के करते हैं संरक्षक है वो, अब अपना ही अगर बन जाएगी बकुल तो बन ही सकेंगे, अपना ही अगर बनना है तो कुछ भी कोई कह दे। हमारे यहाँ डॉक्टर फूलचंद मौर्या जी थे, एक मीटिंग करने गए तो कुछ लड़के वहाँ पाठ याद कर रहे थे रामलीला का, तो मौर्या जी ने कहा कि चलो बच्चों जरा हमारी बात सुन लो। तो लड़कों ने कहा कि जल्दी बताइए यहीं हमको। अरे कहें कितना जल्दी है भैया तुम लोग के? कहें नहीं हम लोगों को जल्दी है, पाठ याद कर रहे हैं। कहें किस बात का? कहें हम लोग सुग्रीव का बाली का पाठ याद कर रहे हैं। अरे कहें यार देश बानर से इंसान बना था, उन्होंने बानर से इंसान से बानर बना जात हुआ, बान लग गोभी का पत्ता का पारे पर कहा राष्ट्रपति है ये। तो वैसा ही अब जी अपने के जौने बतावे बताओ, जब कही के बा कुछ करे के बा। 72 साल की आजादी में शिक्षा के सुधार पे क्या हुआ? क्या बाबा रामदेव का ध्यान इधर नहीं आ रहा है? 1,70,00,000 गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी टाट पे पढ़ते हैं, 72 साल पहले भी टाट पे पढ़ते थे, आज भी टाट पे पढ़ रहे हैं, वहां ध्यान नहीं है? गरीबों को बच्चों को रोजगार कैसे मिले इस पे ध्यान नहीं है? सबके वार्डे चाहता था, पेंशन चाहता था, अब तो साधुओं लोग के पेंशन चालू कर दी भाजपा ने। महागठबंधन तो अभी कुल मिला जुला करके हमको अंदाज है कि 17 दिन हुआ है और हम 16 महीने से हैं। हम 16 महीने से आपके बीच में हैं, ऐसा नहीं है कि जब बनारस में 28 जनवरी को कार्यक्रम था कि फरवरी को कार्यक्रम था, 28 जनवरी को, उस समय तो गठबंधन नहीं हुआ था। इसी आपके कटिंग मेमोरियल में हमने कहा था ना कि भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया, उस समय तो महागठबंधन नहीं था। हम उस समय से कहते आ रहा हूं कि गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं वो अलग अलग सोच है। लग रहा है कि एकदम खत्म है अब। 24 फरवरी तक, क्या 24 फरवरी बोलेंगे? 24 फरवरी तक हम भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करेंगे कि हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। 24 तक ये नहीं करते हैं तो 24 तारीख को हम 3 तलाक दे देंगे। 3 तलाक खिलाफ बिल आ चुका है, दे देंगे हमने। अरे कहा ही के दबाव मंच से कि आज से हमारा आपका रिश्ता खत्म, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अचानक राहुल गांधी आपको कॉम्पिटेंट लग रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? देखिए उस कुर्सी पर जो भी व्यक्ति जाएगा वो उस कुर्सी पर ईमानदारी से काम करेगा, चाहे राहुल जी हों। हम कहें आप ही को बना दिया जाए तो आप नहीं बनेंगे। आप भी उस दौड़ में अगर आवे तो जितने भी नेता हैं, चाहे ममता जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे जो भी नेता हैं, तो सबकी लालच होती है ना कि हमको भी वहीं पहुंच जाते। क्या लगता है राहुल गांधी फिट हैं आपके हिसाब से? सब फिट हैं, जिसको दाव लग जाएगा वो सब फिट हैं, जनता जिसके साथ खड़ी हो गई वो सब फिट हो जाता। बीजेपी के लीडर हैं सरोज पांडे, उनको जोकर कह रहे हैं कि जोकर है भाई? अब ये लोग जोकर गिरी कर रहे हैं तो दूसरे को तो जोकर समझवे करेंगे। अब चूंकि एक हमने देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी तो जोकर कहने वाले लोग जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा 12 बार तो भारत बंद का आह्वान किया, कचहरी पे धरना दिया,
गैस सिलेंडर, लकड़ी और बैलगाड़ी बैलगाड़ी कुल का प्याज और माला पहन के लोग कचहरी पे धरना दिए। उस समय गैस सिलेंडर 324 रुपया था, जब जोकर की सरकार थी उनके कथनानुसार तब तो 324 रुपया गैस सिलेंडर था। अब तो अच्छे लोगों की सरकार आ गई तो अब तो सस्ता हो गया होगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है। उधर तो कह रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारे प्रोडक्टों पर आप जीएसटी ला दिए तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? आज पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी आ जाए महंगाई 50% कम हो जाएगी, लेकिन ये लाई नहीं रहे क्योंकि पेट्रोल और डीजल का कारोबार वही लोग करते हैं जो सरकार चलाते हैं।